Assalamu alaikum students, this is Sir Yasir. Now we are starting 2017 installment sale. Question number 2. Is sawal ke andar gross profit date of Zulfikar trading company were 35%, 33%, 30% of sale price for 2014, 15 or 16. 3 year ka deferred GP rate given hai sawal ke andar. Uske baad the following accounts are available at the end of year 2016. 2016 ki ending mein 2014 ka receivable hai aapke paas 12,000, 1,23,000 और 3,90,000 और डेफर्ड जीपी आपके पास है 14,700, 122,100 और 240,300. पहली रिक्वायर्ड है कैश कलेक्शन एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2016. कैश कलेक्शन निकालना है और आपने रियलाइज प्रॉफिट निकालना है. फिर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट. एंट्री बनाएंगे किसकी? कैश कलेक्शन की और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की. सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एट स्टार्ट निकालते हैं, क्योंकि पूरे साल में डेफर्ड जीपी चेंज नहीं होता. जो डेफर्ड प्रॉफिट है ये पूरे ईयर के अंदर चेंज नहीं होता. तो डेफर्ड जीपी कितना आपके पास 14,700 है, ठीक है, जो कि किसी अमाउंट का 35% है. आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि रेशियो को उल्टा करेंगे. 14,700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 35 कितना आ जाएगा, 42,000. उसके बाद दूसरे साल का है 122,100 और इसका रेट है 33%. इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 33 कितना आ जाएगा, 3,70,000. तीसरा है उसके बाद फिर 240,300 और 30% है. इसका रेशियो रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा, 8,01,000. यह आ गया आपके पास रिसीवेबल एट स्टार्ट. अब निकालते हैं कैश कलेक्शन कैसे आएगी. तीनों ओपनिंग रिसीवेबल में से तीनों एंडिंग रिसीवेबल को माइनस कर देंगे. ये एंडिंग 12,000, 1,23,000 और 3,90,000. 42 माइनस 12,000, 370 माइनस 1,23,000 और 8,01,000 ये वाला माइनस 3,90,000 ये माइनस करा, ये आपके पास कैश कलेक्शन आ जाएगी. ठीक है जी, जब किस कैश कलेक्शन आ गई, पहली चीज आपके पास कैश कलेक्शन आ गई, ठीक है ना, कैश कलेक्शन मिल गई आपको. अब आप निकालेंगे रियलाइज प्रॉफिट. क्या निकालेंगे, रियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट. 30,000 पहले साल की कलेक्शन है और रेट ऑफ प्रॉफिट है 35%, कितना आ जाएगा, 10,500. उसके बाद दूसरे साल की कैश कलेक्शन है 2,47,000, रेट ऑफ प्रॉफिट है 33%, मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा, 81,500. तीसरे साल पे आते हैं, कैश कलेक्शन है 4,11,000 और रेट ऑफ प्रॉफिट है 30%, कितना आ जाएगा, 1,23,300 आपके पास रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा 2016 का. सेकंड रिक्वायर्ड है एंट्रीज बनानी. क्या बनानी, जर्नल एंट्री. तो भाई पहली एंट्री बनेगी कैश कलेक्शन की, ये रही तीनों कलेक्शन, तीनों हो जाएंगी क्रेडिट, 30,000, 247,000, 4,11,000 प्लस करके कैश हो जाएगा डेबिट 6,88,000 से. फिर बनाएंगे रियलाइज प्रॉफिट की एंट्री, ये तीनों डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डेबिट, और प्लस करके रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा 2,15,310 से. तो भाई ए पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हुआ जाता है. अब आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ. बी में क्या कह रहा है, मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर ₹64,000 इन 2015 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इन द सेम ईयर अ टोटल ऑफ ₹24,000 वर कलेक्टेड इन 2016. नो कलेक्शन वर मेड एंड द मर्चेंडाइज वाज रिफंड. द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्चेंडाइज वाज 33,000. यानी करंट ईयर में कोई भी पैसा रिकवर आपका नहीं हुआ. तो भाई अब क्या करेंगे, रिप्रदर्शन करते हैं. 64,000 की आपने सेल की थी, कंप्यूट एंड कंप्यूट और कंपाउंड जर्नल एंट्री फॉर रिप्रदर्शन शोइंग कंप्यूटेशन. ठीक है ना, एंट्री बनानी है आपको. तो कैसे बनेगी, इंस्टॉलमेंट सेल्स की 64,000, ठीक है जी, 64,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट सेल्स है. ओके, इसमें से आप कैश कलेक्शन 24,000 माइनस करेंगे तो आपके पास अनकलेक्टेबल अमाउंट आ गया 40,000. इस 40,000 का रेट कितना है, 25% है. 40,000 का 25% निकाला, कितना आया, 10,000. माइनस किया बुक वैल्यू आई 30,000. लेस करेंगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी, 33,000. तो आपके पास गेन ऑन रिपोजिशन आ जाएगा.
एंट्री बनाएंगे रिवर्स गुड्स डेबिट 33,000 से, डेफर्ड जीपी डेबिट 10,000 से, गेन क्रेडिट 3,000 से, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपका 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ आपका 2017 कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं 17 प्राइवेट की तरफ। 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो भाई 17 प्राइवेट के अंदर देखेंगे, सेल्स बता रहा है हमादन कंपनी ने सेल्स करी 6 लाख की, और कह रहा है 1.5 लाख रिसीव हुए डाउन पेमेंट से, और कह रहा है कलेक्टेड इन 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, बाकी पैसा आपके पास रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए? 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में बाकी पैसे आपके पास रिसीव हुए। अच्छा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अनपेड बैलेंस 6% पर एनम। कितना करें? 6%। द कॉस्ट ऑफ द कार इज 4,50,000, ऑल पेमेंट्स फॉर ड्यूली रिसीव्ड, द काउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31st ईच ईयर। गिव जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2017 ओनली शोइंग कंप्यूटेशंस। ठीक है ना, ओके जी। तो भाई सेल्स कितनी आपके पास है? 6 लाख की सेल है, हमने कॉपी करी सेल्स 6 लाख, ठीक है जी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है सही से? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, नहीं ज्यादा जूम हो जाएगा, इतना ही सही। तो सेल्स हो रही है हमारे पास कितनी? 6 लाख, 6 लाख की सेल हुई है हमारे पास। अच्छा जी, डाउन पेमेंट कितनी बता रहे? कब? January 1st को सेल हुई। डाउन पेमेंट कितनी बता रहे? 1.5 लाख की डाउन पेमेंट हो रही है। कितने की डाउन पेमेंट हो रही है हमारे पास? 1.5 लाख की हमारी डाउन पेमेंट है। तो 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस करा, कितने बचे? 4.5 लाख। अच्छा, अब ये कह रहा है जो बाकी रिमेनिंग पैसा है वो 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा। तो 4.5 लाख को डिवाइड बाई 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 90,000 आपकी जो आ जाएगी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, यानी हर 3 महीने बाद आपको 90,000 रुपये मिलेंगे। तो पहली March 31st को मिलेंगे 90,000, 4.5 में से 90,000 माइनस करा, कितना आ जाएगा? 360 में से फिर आप 90 ये वाले माइनस करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो June 30 को आएगी, कितने बचेंगे? 270। थर्ड आएगी September 30 को, 90,000 माइनस करेंगे, 180,000 आ जाएगा। फिर चौथी इंस्टॉलमेंट December 31st को आएगी, 90,000 माइनस करा तो इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल कितना बना? 90,000 आपका अगले साल का बैलेंस बचा, किस चीज़ का? इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल का। अच्छा जी, अब ये तो आगे इंस्टॉलमेंट की बात, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले रिसीव हो रहा है डाउन पेमेंट में 1.5 लाख, 90,000, 90,000, 90,000 इंटरेस्ट पे आते हैं। कहता है अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो एवरी क्वार्टर यानी हर 3 महीने बाद आप पैसे दे रहे हो, तो 3 महीने तक का जो भी सूद का बनेगा अमाउंट उस पर आप क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, जो अमाउंट बनेगा इंस्टॉलमेंट में। तो 6 लाख में से पहले 1.5 लाख माइनस करा, कितने आ गए? 4.5 लाख। 4.5 लाख जनवरी से मार्च तक की 3 महीने का सूद बन गया। 4.5 लाख का 6% निकालेंगे, फिर करेंगे मतलब 3/12, कितना आ जाएगा? 6750 आ जाएगा। ये बन गया आपकी इंस्टॉलमेंट 6750, इंटरेस्ट आ गया, सॉरी इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद अगली दफा 360 बैलेंस है आपके पास, 360 पे आपका सूद का रेट लगेगा, ठीक है ना। 360 पे रेट लगाएंगे आप इंटरेस्ट का, 360,000, 6% मतलब 3/12, कितना आ जाएगा? 5,400 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 5,400 बन जाएगा। ओके भाई, क्या करेंगे आप नेक्स्ट? उसके बाद 5,400 के बाद फिर उसके बाद थर्ड पे आएंगे 270,000, कितना है थर्ड? 270,000। अब लगेगा आपका 270 पे इंटरेस्ट, किस पे लगेगा? 270,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 270,000 का 6% लिया और 3/12 क्यों करा? 3 महीने और 12 मतलब साल में 12 महीने, कितना आ जाएगा? 4,050। उसके बाद नेक्स्ट है 180,000 बैलेंस बच रहा है, तो आफ्टर एवरी क्वार्टर आपको 3-3 महीने का अमाउंट के ऊपर सूद लगाना पड़ेगा। जैसे जनवरी से मार्च तक 6 लाख आपका बैलेंस था, 3 महीने बाद आपके पास कितना बैलेंस बचा? 4.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए कम होने के बाद जनवरी से लेके मार्च तक 4.5 लाख आपका अमाउंट जो है अनपेड रहा, यानी 4.5 लाख पे सूद लगाया आपने। फिर 90,000 मिल गया, कितना बचा? 360,000। इस 360,000 में फिर सूद लगेगा नेक्स्ट टाइम, फिर 90 और माइनस करे, कितना बचा? 270। इस 270 पे सूद लगेगा, फिर 90 माइनस करे, हर 3-3 महीने का सूद, जब भी पेमेंट करोगे जितना अनपेड बैलेंस होता है उस पर सूद लगता चला जाता है। इंटरेस्ट बना आपका 2,700 आखिरी, प्रिंसिपल आपका ये अमाउंट था। अब टोटल पेमेंट कैसे आएगी?
पहले साल तो पहले यानी जनवरी में तो 1.5 लाख रुपए मिले आपको, मार्च में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होकर कितना बना 96750, ये पैसा आपको मिलेगा। जून में भी ऐसा ही होगा, 90,000 प्लस 5400 दोनों मिला के 95,400 मिलेगा। सितंबर में था डीबीएससी होगा, 90,000 प्लस 4050 ऐड करेंगे तो 94050 हो जाएगा। फिर दिसंबर तारीख से भी होगा, 90,000 और 2700 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 92,700 बन जाएगा। ये टोटल पेमेंट आपके पास रिसीव होगी, कब रिसीव होगी ये, विद इंटरेस्ट आफ्टर एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने बाद, सही ये रिसीव हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ, सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल कितनी है, 6 लाख, और सवाल में कॉस्ट कितनी लिखी हुई थी भाई, हाँ जी कॉस्ट लिखी हुई आपके पास, कॉस्ट नहीं लिखी आपने, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सही है ना भाई, कॉस्ट आपके पास नहीं लिखी हुई, सेल लिखी हुई है, डाउन पेमेंट नहीं बल्कि लिखी है, सॉरी द कॉस्ट ऑफ द कार इज 450,000, ये 6 लाख में से 4.5 लाख माइनस करेंगे, 1.5 लाख आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर निकालेंगे हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, कैसा आएगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, आएगा हमारे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 1.5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 25% आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे रियलाइज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट। वो कैश कलेक्शन कितनी है आपके पास, टोटल जो कैश कलेक्शन आ रही है वो ये रही, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो कितना आपके पास, 5,10,000 कैश कलेक्शन है टोटल। इसको रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना भी रेट ऑफ प्रॉफिट 25%, 5,10,000 का 25% लेंगे कितना आ जाएगा, 1,27,500 आपके पास क्या आ जाएगा, रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, सही। अब बनाते हैं एंट्री, पहली बनेगी सेल्स की, पहली किसकी एंट्री बनेगी, सेल्स की एंट्री बनेगी। अच्छा, एंट्री सेल्ड हम सारा ऊपर से ले सकते हैं तो हमें इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। ऊपर सेल्स कितना लिखा हुआ है हमने टेबल में देखें, 6 लाख की सेल, कितने की सेल है, 6 लाख की आपकी सेल है, यहाँ से शुरू हो रहा सवाल, ऊपर पिछला ईयर का 6 लाख की आपकी सेल है। सेल्स की एंट्री बनाई, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स के रेट। फिर डाउन पेमेंट कितनी आ रही है हमारे पास, 1.5 लाख की डाउन पेमेंट आई, तो डाउन पेमेंट की एंट्री होती है कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एंट्री बनी डाउन पेमेंट की, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जाएगा कितने से, 1.5 लाख से। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपके पास है 6750 का इंटरेस्ट आया, ये आपका इंटरेस्ट आया, इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और फिर मार्च 31 को तो पेमेंट आई है, कितनी आई है, 96750 पेमेंट आई है, इससे एंट्री बनेगी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 96750 से कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी, ये एंट्री क्या बनी। उसके बाद जून 30 पे आते हैं, जून 30 को पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री बनेगी 5400 से, यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 5400, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 5400। फिर कैश कलेक्शन की बनेगी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 95400 कहाँ से आया, जो टोटल पेमेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के रिसीव हो रही 95400। इसी तरह सेप्टेम्बर में भी यही होगा, एक एंट्री बनेगी 40500 से और एक बनेगी 94050 से। सितंबर 30 को जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 40050 से, दूसरी बनेगी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 94050। ये दो एंट्रीज बनेगी कब, सितंबर 30 को, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल इंटरेस्ट इनकम और कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 94050। दिसंबर पे आते हैं, इसकी भी यही होगा, पहले इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2700 से और दूसरी बनेगी 92700 से। ये देख सकते हैं हम अमाउंट यहाँ पर 2700 और 92700। इसके बाद
आगे जो बनेगी सेल कॉस्ट एफर्ट जीपी, पहले कॉस्ट की एंट्री बनेगी तो सेल कॉस्ट एफर्ट जीपी किस अमाउंट से बनेगी, पहली बनी किसकी कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड डेबिट परचेजेस क्रेडिट, और दूसरी बनेगी इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। अगली बनेगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, ये कहाँ से आया अमाउंट इसका, इसका अमाउंट हमने रियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया ऊपर यहाँ पर 127,500 इस अमाउंट से ही एंट्री होगी। लास्ट बनेगी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट इंटरेस्ट इनकम डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, यानी इसको भी क्लोज करेंगे। ठीक है ना, यानी दोनों आपकी जो रेवेन्यू आइटम है क्लोज होंगे, रियलाइज ये रहा 127,500 और इंटरेस्ट इनकम जो सारे है ना सबको टोटल करके आएगा 18,900 जहाँ यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम सब आ रहा है दिसंबर को, सितंबर को, फिर जून 30 को, फिर मार्च 31 को, सबको प्लस करके डेबिट कर देंगे क्लोजिंग के अंदर क्योंकि यहाँ क्रेडिट हो रहा है। क्लोजिंग में क्या होता है, रेवेन्यू सारे डेबिट हो जाते हैं और एक्सपेंस होते सारे क्रेडिट करके क्लोज करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा ईयर कंप्लीट हुआ चाहता है, 2000 रेगुलर प्राइवेट हमने इसके दोनों सवाल कर लिए। ठीक है जी, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ आएंगे। अच्छा जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग 2016 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2, तो 16 रेगुलर में तीन टाइप की चीजें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एलईडी टीवी। यहाँ तीनों की सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस है, फिलरिश कंपनी का नेम है, 16 में सेल्स किया है, डाउन पेमेंट है 20%, 5,000 16% और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 8, 10 और 6। कह रहा है ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर कलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ नेक्स्ट टू सेल्स मंथ, द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर्स एंड्स ऑन डिसंबर 31st ईच ईयर, कंप्यूट डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है। क्या निकालेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ फॉर ईच आइटम सोल्ड। ठीक है ना भाई, तीनों का पहले आपको डेफर्ड जीपी निकालना, कैसे आएगा भाई देखो, सेल्स गिवन है 60,000, 45,000 और 50,000, तो यहाँ मैंने कंप्यूटेशन और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। पहले लिखा मैंने सेल्स, कितनी सेल है 60,000, 45,000 और 50,000, ये आ गई सेल्स, कॉपी करी मैंने यहाँ पे 60, 45 और 50,000, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये बराबर लिखी हुई कॉस्ट 45, 30 और 40,000, माइनस करी तीनों का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 15,000, 15,000 और 10,000। ये हो गया पहला पार्ट पहली रिक्वायरमेंट का। दूसरा पार्ट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर ईच आइटम सोल्ड, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना। कैसे निकलेगा, 15,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 25%, 15,000 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 33.33%, फिर 10,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 20%। ये आ गया मेरे पास डेफर्ड जीपी का रेट, यानी पहली रिक्वायरमेंट मेरी हो गई कंप्लीट। दूसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं, कह रहा है अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट फॉर ईच आइटम, यानी एक एक इंस्टॉलमेंट बताइए कितनी है। तो सबसे पहले तो मैंने सेल्स लिखा 60, 45, 50 कॉपी किया, लेस करूंगा डाउन पेमेंट, भाई रेफ्रिजरेटर की डाउन पेमेंट है 20%, सही है, कितनी बनी 12,000, यहाँ लिख दिया मैंने 12,000, माइनस करा कितना आ गया 48,000, फिर एयर कंडीशन 45,000 का था, इसकी डाउन पेमेंट है 5,000, माइनस करा कितना आया 40,000 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड आइटम पे आते हैं, एलईडी टीवी कितने का था 50,000, डाउन पेमेंट है 16%, कितनी बनी 8,000, 8,000 मैंने यहाँ लिखा, माइनस करा 42,000 आपका इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अब इंस्टॉलमेंट गिवन है 8, 10 और 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा सारा रिसीव होगा, डिवाइड करेंगे रेफ्रिजरेटर की आ गई 6,000, एयर कंडीशन की आ गई 4,000, एलईडी की आ गई 7,000, ये तीनों की इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, कैश कलेक्शन निकालते हैं। तो भाई कैश कलेक्शन कैसे निकलेगी, पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, किसकी बात करते हैं पहले हम, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। ठीक है ना भाई,
अब रेफ्रिजरेटर की कैश कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो भाई रेफ्रिजरेटर देखिए क्या लिखा हुआ है कैश कलेक्शन के हवाले से रेफ्रिजरेटर में, कह रहा है आपने खरीदा कब, 1st/2nd/2016, सही ना, यानी आपने फरवरी में खरीदा है और 8 इंस्टॉलमेंट, यानी कि दिसंबर से पहले आपको सारे पैसे मिल जाएंगे इसकी कलेक्शन। इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही थी ऊपर इसकी, 6000 की इंस्टॉलमेंट बन रही थी रेफ्रिजरेटर की, कितनी बन रही थी, 6000, ठीक है ना, 6000 की आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही थी, ठीक है, 6000 की इंस्टॉलमेंट बन रही थी आपकी, तो 6000 की इंस्टॉलमेंट बन रही थी, 6000 मिल रहा है 8 करा 48,000 पूरी पैसे आ जाएंगे, डाउन पेमेंट थी इसकी 12,000, ऐड करा कितना हो जाएगा 60,000, सही। फिर आते हैं एयर कंडीशन पे, एयर कंडीशन कितने का लिखा हुआ है, देखिए एयर कंडीशन लिया आपने कब, जुलाई को, ठीक है, जुलाई को लिया, और एयर कंडीशन की इंस्टॉलमेंट बन रही थी आपकी कितनी, 4000, ये लिखा हुआ आपने निकाला, 4000 एयर कंडीशन की इंस्टॉलमेंट है और 7000 LED की इंस्टॉलमेंट है। अब जुलाई से दिसंबर होते हैं 6 महीने, कितना टाइम होता है जुलाई से दिसंबर, 6 महीने होते हैं, ठीक है ना, तो 4000 में लगभग 6 करा कितना है, 24000, डाउन पेमेंट है इसकी 5000, दोनों को ऐड करा टोटल कलेक्शन बनी 29,000, यानी इसकी 10 में से 6 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी, बाकी 4 आपको अगले महीने मिले, अगले साल मिले। एलईडी टीवी पे आते हैं, 9th इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है, यानी 9, 10, 11, 12, 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट आई, 7000 इंस्टॉलमेंट थी, मतलब 4 किया कितना आ गया, 28,000, 4 महीने क्यों आई, क्योंकि 9 से लेकर 12 4 महीने होते हैं, 9, 10, 11, 12, और 2 महीने की आपको अगले साल इंस्टॉलमेंट मिलेगी। फिर डाउन पेमेंट इसकी कितनी थी आपकी, 8000 थी, ऐड करा 36,000, ठीक है जी, ये आ गया एलईडी टीवी की इंस्टॉलमेंट। फिर आते हैं उसके बाद, फिर हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे रियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे आएगा, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों कैश कलेक्शन है सामने आपके, यानी निकली भी कैश कलेक्शन, इसकी 60,000 रेफ्रिजरेटर की, इसकी 29,000, इसकी 36,000, तीनों को कॉपी किया और तीनों का जो रेट था 25%, 33% और 20%, इससे मल्टीप्लाई करा, ये परसेंटेज कहाँ हमने कैलकुलेट की, यह हमने कैलकुलेट करी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, 25, 33 और 20%, ठीक है, ये परसेंटेज हमने यहाँ लिख के मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रियलाइज प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी, कितना है, 15,9667 और 7,200, ठीक है, तीनों को प्लस करा कितना बना, 31,867, इससे आपकी एंट्री रिक्वायर्ड लास्ट रिकॉर्ड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट की एंट्री बनानी हमने बना दी, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज प्रॉफिट क्रेडिट, 31867 से एंट्री बन गई हमारे पास, ठीक है जी, ये सवाल खत्म हुआ चाहता है सर, यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।